एक कटी हुई प्याज ले लेंगे। ये प्याज मैंने बारीक काट ली है और ये मीडियम साइज की प्याज है। यहाँ पे हमने एक स्मॉल साइज का टमाटर ले लिया है और इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। दो मैंने यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च ले ली है और एक नींबू ले लिया है। ये दोनों कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें और नींबू हम इसमें निचोड़ लेंगे। इसमें 2 चम्मच मैं इमली का रस डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/3 चम्मच इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और अब हम इसमें डालेंगे पफ्ड राइस यानी कि मुरमुरा। इन मुरमुरों को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है 1 चम्मच तेल में। इसे भी मैं अब इसमें डाल दूंगी और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सेव। 1/4 कप इसमें हम भुना हुआ पीनट डाल रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1/3 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालने से इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। अब इन सब चीज़ों को हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए।